Life is a winding road, no telling where it goes. Good morning, everyone. Very good morning, Bara. Good morning. Very good morning, Bara. Good morning. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. आज मंडे के दिन में है ना, एक बहुत बड़ा गुड न्यूज. हाँ, मतलब आप लोग भी इसी के लिए इंतजार कर रहे थे. मतलब अभी टाइम इधर है ना, 7:45 हुआ है सुबह. संतोष 6 बजे गया. बोलो अभी बोलो. मतलब और 7 बजे मेरा ड्राइविंग टेस्ट था आज, और पास हो गए हैं भाई. अब प्रॉपर गाड़ी खरीदने का टाइम आ गया है. मैं आज ब्लॉग करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन होता है ना, गुड न्यूज है तो आप लोग के साथ शेयर करना है ना. सिर्फ मेरे अलावा ना इस घर में किसी को नहीं मालूम था संतोष का टेस्ट है. हम लोग सोचा था एक बार पास होने के बाद ही बच्चे लोग को बोलेंगे, क्योंकि पता है ना, लास्ट टाइम चुंगसी और खुशी थोड़ा ये हो गया. अच्छा कैसे फेल हो सकते हैं, कोई भी चीज़ में वो लोग अच्छा को फेल होकर नहीं दे सकते. इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था फाइनली गुड न्यूज है ना. ठीक है, मैं अभी रेडी हो गया. खुशी को स्कूल छोड़ना है ना, उसी के लिए. और इधर देखो, इंडियन ग्रोसरी कल लेकर आया, वो सब अभी रखना है. और माँ देखो इधर, और माँ देखो सुबह 5:30 या 4 बजे पता नहीं, उठकर देखो इडियापम. और इसमें है खाना बनाने का कार्यक्रम चल रहा था. हाँ, संतोष 5:30 बजे उठकर आ गया था, इधर खाना बनाना स्टार्ट किया था. उसमें चना करी है. और देखो ये सब अभी लंच के लिए भी बोला, मुझे बोला है सब बाहर निकाल कर रखो. सब निकाल कर रख लिया है. आप एक हेल्प करोगे? अयो वो स्टॉप है, वो मैं वो देखकर कुछ. बापरे अभी टाइम क्या, बापरे मैं लेट हो गया. मैं खुशी का छोड़ कर आ गया तो नजारा देखो. ये देखने के लिए मिल रहा है, ये भी देखने के लिए मिल रहा है. और ये सब जो है छुपा के रखा हुआ था अंजू ने, फाइनली आज मैं ढूंढ के निकाल लिया. पापा जिस दिन आए उस दिन से मुझे पूछ रहे ये क्या है. मतलब ये ना एक बुकशेल्फ है, वो एक बेंच है. आकर 4-5 महीना हो गया उन्होंने ऑर्डर कर, अभी तक वैसे की वैसे ही पड़ा है ना. हाँ अच्छा, चुंगसी वन चाहिए बच्चा. हाँ आओ महीने वन चाहिए. नॉर्मली इसका ये सब काम है ना, हमारे घर में चुंगसी करता है. मैं वही बोल रहा है, शाम को चुंगसी आकर करेंगे, लेकिन पापा को वही है कुछ सोचा तो वो तुरंत करना ही है. अच्छा कायमूर के लिए. हाँ, खुशी को लेने के लिए संतोष गया. और इधर देखो थोड़ी बहुत क्लीन हो गया. वो दो है मतलब बुकशेल्फ है, वो पापा रात को मतलब खुशी के साथ वो पापा फिक्स करेंगे. आपको मालूम है ना, खुशी को हर चीज़ में इन्वॉल्व होना है, उसको पसंद है वो सब. और एक बैग है, उसमें मेरा कसिन का सामान है. वो लोग सैटरडे को आएंगे, मैं बोला था ना सैटरडे को आएंगे. और क्या है, मम्मी इधर कुछ स्पेशल बन रहे हैं अपने दामाद के लिए. मेरे लिए नहीं, दामाद के लिए बना रहे. देखो उसी के लिए ये रेड पोहा निकाल कर रखा है, और चुंगसी इधर अपना कॉर्नफ्लेक्स निकाल रहे हैं. खूब सारा कोकोनट और कड़लापरिप. एक मिनट में निकाल कर देती हूँ. ये दिखा दो, एक मिनट. पुट्टू कड़ला रोस्टेड ग्राम वो चाहिए. और इधर जैगरी पाउडर, किशमिश, घी सब निकाल कर रखा है. मतलब मेरे पास जैगरी पाउडर है, वो मिल्क कर मतलब थोड़ा पानी में डालकर मिल्क करने जा रहे हैं. कुछ मैडम आ गई. அவியல் ஜாக்கெட் எடுக்க மக்களே. ஹாஸ் சந்தோஷ் லஞ்ச் நீ கே, கிய சந்தோஷ்
जाना है एक अवार्ड नाइट के लिए और उसके पहले माँ को बोला ये खाना भी है इसलिए लंच नहीं किया आज। हाँ देखो हमारा होली का कलर इधर आ गया है, खुशी पहली बार होली खेलने जा रहे हैं। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। जागरी को मेल्ट कर इधर रखा है और इधर देखो एक दो टीस्पून घी डाला है, उसमें थोड़ा सा किशमिश कैशू डालना है लेकिन मैंने बोला कैशू मत डाल दो क्योंकि इतना पसंद नहीं है। किशमिश फ्राई हो गया और उसके बाद उसमें डालना है ये रोस्टेड ग्राम, एक पूरा डालना है। वो भी हो गया, ये देखो इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, हल्का सा फ्राई होना है उतना ही है। हाँ उसका रोस्ट मल जाना है, ऑलरेडी ये रोस्टेड है। और उसके बाद थोड़ा सा और घी डालकर उसमें डालना है ग्रेटेड कोकोनट। इधर इतना कप वाणो मैं कुछ पता नहीं कितना लिया है। ये है ना देखो ये रेडीमेड ग्रेटेड कोकोनट है ना, वो है उसका आधा लिया माने। हाँ माँ बोल रहे एक वन एंड हाफ कप होगा ये। Is this the last one? Try? No. How much more? खुशी ना मम्मी एड मलयालम बने मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बोले आप खुशी मलयालम बोलती है मम्मा से बहुत अच्छे से मलयालम बोलती है मम्मा अप्पूपा से मलयालम बोले मलयालम। इसके बीच में क्या हो गया था वो कोकोनट है ना हल्का सा फ्राई नहीं है, वो कोकोनट का पानी है ना थोड़ा सूख गया था उसके अंदर ये जागरी पानी है ना वो डाल दिया। इतना हुआ था, कैमरा बीच में बंद हो गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा है। पानी पूरा सूखना पानी है उन्हें चिर बात करो। हाँ पानी पूरा नहीं थोड़ा सा ड्राई होना है। साइकिलिंग नो लाइक जस्ट टू द पार्क cuz लाइक देयर इज द स्विंग एंड दिस थिंग। साइकिलिंग बाद में आ जा तू देखो साइकिलिंग बाद में पहले वो पीस कर मैं बोल ना अच्छा को कुचली हो रहे वो इधर देख कर। हाँ हाँ देखा गाना सब आ रहा है इतना खुश है वो देखकर अच्छा ऐसा वाला काम है ना बहुत पसंद है। अच्छा हो गया हाँ देखो पानी थोड़ा सूख गया है ये अभी ठंडा होने के लिए रखना है। तिल है ना हाँ ये तिल फ्राई कर रहा है वो फ्राई करना भूल गई थी तो ये ठंडा हो गया। हाँ हाँ ये पोहा है ना मटर राइस का पोहा है ये थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करना है। हमें बेल्ला वाले नल आना है ना बेल्ला ही नल हाँ हम बोल रहे हैं वाइट पोहा भी अच्छा है इसके लिए क्योंकि हमारे उधर यही यूज करते हैं। देखो वो बना भी नहीं है उसको खाना है अभी निकलना भी है। इतना संतोष को ये पसंद है बहुत पसंद है ये अच्छे से मिक्स किया उसके ऊपर ये चना दाल डाल रहे हैं ये भी डालू ये लेकर और ये तिल भी डाल दिया। अब डालना है लास्ट में ये कार्डमम पाउडर स्पून चाहिए नहीं चाहिए माँ को अंदाज़े से डाल दूंगी। रेडी हो गया है ना बस रेडी आई ले रेडी हाँ देखो ये रेडी हो गया कवर ये वेकणो ஏன்னா அபி எஸ மம்மி போல தள்ளி பொத்தி வைக்க கவர் கரெக்ட் ஜரூரத் நீஃப்ட் அபி பி போ சோஃப்ட் சாய் பி இதர் ரெடி ஆகிற ரெடி நீ
मैं तो आपका नया कॉस्ट्यूम दिखाने के लिए आया, रेडी नहीं हुआ? मतलब पापा मम्मी है ना, वो देखकर मतलब पहली बार ऐसा, आप लोग तो देखा हुआ है, मतलब मेरा पुराना व्यूअर्स तो देखा हुआ है। देखो ये अवार्ड नाइट के लिए ना मोस्ट ब्रोस से जाकर नया ड्रेस लेकर आया। इसके सही शर्ट है, पैंट है, फिर और भी है ना एक्सेसरीज, वो सब है। सब कुछ है, सब अभी रेडी हो गया। अभी वो जुमसी का हाथ में मुझे लगा था, तुमसी भी गया हेल्प करने के लिए। ജെയിംസ് ബോണ്ട് मस्त है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अवार्ड नाइट के लिए एकदम परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। हाँ देख लो पूरा एकदम फर्स्ट क्लास परफेक्ट है। हर बार रेंट पे लेते थे तब की बार खरीद लिया। चलो हर बार ये सूट रेंट पे ले लेके मैं थक गया हूँ। चलो ले लेते हैं। संतोष गया, अब मैं पापा को थोड़ा हेल्प कर रहे थे। पापा को ना ये सब लगाने का इमीडिएटली वो बेसबोर्ड सब बाहर फेंकना था, वो ही पापा उधर कर रहे हैं। माँ पूजा शुरू किया और संतोष का ड्राइविंग टेस्ट पास हो गया ना, उसी के लिए मेन वो प्रसाद आज देना है संतोष का पसंद का, वो भी साईं बाबा को रखा है। देखो अम्मा का भजन अभी भी चल रहे, 7 बज गया, एक घंटा हो गया और खुशी इधर आ गया नाना जी को हेल्प करने के लिए। देखो ऑलमोस्ट इतना हो गया। Okay, so let's go on step and see what Amma and Appa are doing. Oh, okay, so looks like they're not gonna wait for Chata. They're just gonna do it themselves. मैं बोला चुंसी आने के बाद रखेंगे? नहीं, अच्छा तो वो immediately रखना है. Yeah, so they're just moving it. Are we going upstairs? अच्छा न्यान पिटचोला. Yeah, Jim. Okay, so they're gonna go upstairs now. I'll follow behind them. You see how Appa's so passionate? Yeah, heart patient, eh? देखो, मतलब क्या बोलूँ? He's so passionate. He doesn't want anybody to interfere. I asked him if he wanted me to. अच्छा, नाम पढ़ी क्यों नहीं? अच्छा, wait. See, he wants to do it. Okay, so let's go. Where are we going to keep it? Allah, I'm going to keep it. Okay, I'm going to keep it. 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 Okay, 12:19 हो गया, मेरे अलावा बाकी सब लोग सो गया। अगर खुशी भी इधर सो रही है। पापा थोड़ी देर पहले मतलब 15 मिनट सोने के लिए गए, एक मूवी देख रहे थे जूजी कर, फिर उनको भी नींद आ गई। मैं बोला जाकर सो जाओ क्योंकि संतोष लेट हो जाएगा, शायद 1:30 हो जाएगा संतोष को आने के लिए, क्योंकि उनका अवार्ड नाइट है, क्योंकि उनका अवार्ड नाइट 6:30 to 12:30 या 1 o'clock ऐसा कुछ तो है, घर आते 1:30 हो जाएगा। मैं बोला सो जाओ क्योंकि बच्चे लोग को कल स्कूल जाना है, माँ तो डेली 4:30 या नहीं तो 5 बजे उठ जाती है। मैं बोला जाकर सो जाओ, मैं वेट करूँगी, अभी मुझे भी नींद आ रहा है, लेकिन है ना वेट करना पड़ेगा। और मैंने सोचा था आज के व्लॉग में संतोष कौन सा गाड़ी बुक करने का प्लान कर रहा है, उसने 2-3 गाड़ी सेलेक्ट करके रखा है, पता नहीं उसमें कौन सा होगा मालूम नहीं। शायद नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। आप लोगों का कुछ सजेशन है तो वो भी प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मुझे गाड़ी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। संतोष कुछ बोल रहे थे BMW कुछ तो जागुआर, हाँ ऐसा कुछ तो बोल रहे हैं वो। आप लोग भी सजेशन देना कौन सा गाड़ी अच्छा है वो सब। ठीक है, मेरा व्लॉग में इधर एंड करने जा रहे हैं। आई होप आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा
और पसंद आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।